हेलो मेरे प्रिय विद्यार्थी, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल पे। मैं हूँ निधि पारिक, व्याख्याता चित्रकला की, गवर्नमेंट कॉलेज खैरवाड़ा से। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक रखा गया है वो फ्रंट लिप से, हाफ लिप से और 3/4 लिप से संबंधित है कि जनरली जब हमारा मॉडल सामने बैठा हुआ होता है तो हमें उसके होठों का आकार हमें किस तरह से दिखाई दे रहा है, तो जैसा हमें दिखाई दे रहा है उसे ही हमें रेखांकित करना होता है। तो ये देखिए आप, जब भी हम फ्रंट लिप्स बनाते हैं, सीधे होठों को बनाते हैं, तो ये जो नाक का जो आकार होता है हमारा, उसका जो पॉइंट होता है उसी के नीचे हमारे लिप्स का भी ये मेन पॉइंट होता है। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ये टेढ़ा ना हो, इधर इधर की तरफ ना हो, जब हम फ्रंट लिप्स बना रहे हो, सीधे होठों को बना रहे हो, तो कुछ इस तरह से हमें रेखा बनानी है, उसका ऊपर का आकार बनाना है। उसके पश्चात एक लाइन हमारी इस तरह से बनेगी, इसके जस्ट नीचे इसका भी पॉइंट रहेगा, और सबसे नीचे वाली जो लाइन रहेगी, सबसे नीचे का जो होठ होता है उसका आकार कुछ इस तरह का होता है, इसकी तुलना में थोड़ा सा ये छोटा होता है। लाइटली लाइटली छोटा बनाना है आपको, तो इस तरह से आपको इसका आकार बनाना है और उसके बाद शेड करना है। फ्रंट में आपको लाइन्स दिख रही है तो आपको लाइन्स बनानी है, इस तरह से आपको पेंसिल से इसको शेड को कंप्लीट करना है। बीच की जगह आपको लाइट का सा दिखेगा और साइड में आपको डार्क पार्ट दिखाई देगा, कुछ इस तरह से। इसी के बाद ये देखिए आप, हाफ लिप्स है, हाफ लिप्स का शेप आपको इस तरह से बनाना है। ये बिल्कुल हाफ दिखेंगे आपको उस स्थिति में। तो फिर आपको शेड करना है कुछ इस तरह से। तो ये आपके हाफ लिप्स का आकार है, आधे होठ जो आपको दिखाई दे रहे हैं उस स्थिति में। इसके पश्चात ये 3/4 लिप्स हैं, 3/4 में एक पार्ट आपको थोड़ा सा कम और दूसरा पार्ट आपको थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है। जब आपको 3/4 फेस दिखाई देगा उस स्थिति में आपके होठ भी कुछ 3/4 इस आकार में आपके बनेंगे। इसमें आपको ये वाला हिस्सा थोड़ा सा, एक हिस्सा आपको हाफ पार्ट में से एक हिस्सा आपको थोड़ा कम और दूसरा आपको थोड़ा ज़्यादा ड्रॉ करना होगा, रेखांकित करना होगा। आकार वही रहेगा फ्रंट वाला, लेकिन थोड़ा सा इसमें छोटा और बड़ा आपको ध्यान रखना है बनाते समय। एक आकार आप ये भी देखिए लिप्स का। तो हर व्यक्ति के जो आकार होता है होठों का अलग अलग होता है, कुछ अलग अलग दिखाई देता है, तो हमें मॉडल से संबंधित ही हमें जो भी हमें सामने दिखाई दे रहा है उसी से संबंधित हमें उसका आकार रेखांकित करना होगा। तो ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद आज के लिए हमारे इतना ही काफ़ी है, और आप इसका अभ्यास करें, और इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।